हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कह चुका हूँ एक नया ब्रांड जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो ये ब्रांड ना तो एआई इमेजेस है, ना इसे एआई से बनाया जाता है, ये खुद डिज़ाइन किया जाता है। वो आपको मैं बता देता हूँ किस तरह कस्टमाइज़ किया जाता है। तो इस इमेजेस को बनाने का बहुत ही ज़्यादा ईजी और बहुत ही ज़्यादा आसान मेथड है। तो फर्स्ट आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसका नाम है पिक्स आर्ट। पिक्स आर्ट आपको सिंपली मिल जाएगी, प्ले स्टोर से भी मिल जाएगी, आप सर्च भी मार सकते हैं। वो आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखना हूँ पिक्स आर्ट, इस तरह की ये देख सकते हैं। आपको इस तरह की एप्लीकेशन है, यहीं से सिंपली आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास जो परमिशन मांगी है, उसे परमिशन को अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपने इसे डायरेक्ट साइनअप करने, अगर कह दे तो साइनअप कर देना, वरना को अगर आपका दिल हो साइनअप करने का तो कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट आपने ये प्लस वाले ऑप्शन पर नीचे चले जाना है। यहाँ पे आपने ना एक आपको ना मतलब कि ना पेज सा मिलेगा, वो पेज आपको मैं वीडियो के आखिर पे दे दूँगा। वीडियो को हाई क्वालिटी में करके ना आपने वो यहाँ पर सेटिंग में जाके हाई क्वालिटी करके तो फिर इसे स्क्रीन शॉट ले लेना, वरना मैं इसके एड पर डाल दूंगा वीडियो, जहाँ से ना आपको मतलब कि ना मिल जाएगी भी लो क्वालिटी इमेज टू हाई क्वालिटी इमेज किस तरह किया जाता है। दो मेथड है, उससे भी हाई क्वालिटी कर लेना, ठीक है इमेज को। तो यहाँ पे सिंपली आपने टेक्स्ट पे चले जाना है, प्लस टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे लिख देना है जो आप लिखना चाहते हैं। सनी एडिट्स लिख के टिक वाले ऑप्शन पे दबा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं इस टाइम हमारा जो है ना यहाँ पे आपने एडजस्ट फिलर एडजस्ट करना और कुछ नहीं करना। यहाँ पे फिर आपको ऑप्शन मिल जाता है सी आल का, यहाँ से ऊपर यहाँ पे, ठीक है। तो सी आल का ऑप्शन मिल जाएगा, सी आल का ऑप्शन मिलने के बाद यहाँ पे आपने डिस्कवर पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखना सिग्नेचर सिग्नेचर, ठीक है, या खाली सिग्नेचर भी लिख दें तो कोई मसले वाली बात नहीं। सिग्नेचर आपके पास इस तरह के फाउंट्स आ जाएंगे काफ़ी ज़्यादा, आपको जो जो पसंद हो आपने वही उठा लेनी, ठीक है। फर्स्ट क्या मैं ये उठा रहा हूँ, ये देख सकते हैं इस तरह का उठा के, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। बढ़ाने के बाद तो इसे ड्रैग अभी कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इसमें बाकी कलर आपने चेंज करना, कलर आप जो मर्जी रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो आपने ज़्यादातर कोशिश करना है या ब्लैक रखें या गोल्डन कलर रख दें, क्योंकि इस तरह में ना ज़्यादातर इंक जो होती हैं वो गोल्डन या होती हैं ब्लैक ही होती हैं, वो आपको पता है। बाकी जो कलर्स होते हैं वो इस पर ज़्यादा जजेंगे नहीं, बाकी आपकी अपनी मर्जी होगी, ठीक है। आपने फिर सिंपली पिक्चर पे सिर्फ टैप कर देना और ऐड टू पिक्चर आ जाएगा, इस तरह का ऑप्शन आ जाएंगे नीचे, इसमें आपने ऐड टू पिक्चर करना है। ऐड टू पिक्चर करने के बाद सर्च में ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे होएगा कार्ड बॉर्डर डिज़ाइन, आपने कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये जिस तरह ये सर्च है और कार्ड बॉर्डर डिज़ाइन है, ठीक है, आपने वहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाएगा इस तरह का इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस आने के बाद आपने ना इसे सिंपली यहाँ पर रख के ना इसे डाउनलोड कर लेना है। तो ये डाउनलोड आपको थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगा, मेरे पास डाउनलोडेड है। तो आप इस ना इसे क्रॉप कर लेना है, क्रॉप करने का मैं बता देता हूँ दोबारा। आप यहाँ से आपको जो है ना रिमूव बैकग्राउंड के आगे क्रॉप, फिर आपने इसे रिमूव बैक, तो जैसे कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ना वो बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद आपने इसे किसी भी डायरेक्शन में ना इसे ड्रैग करके इसे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली उस पर एक इमेज पे टैप करना है, उसे भी इस तरह ड्रैग करके जहाँ पे आपको अच्छी लगे वहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिली, तो अब नीचे वाली पे क्लिक करने के बाद आपने लेना इसे एडजस्टमेंट, सैचुरेशन इसकी फुल डाउन कर देनी, क्लियरिटी इसकी फुल अप कर देनी। अप करने के बाद इसमें जो टेम्परेचर होगा वो आपने ना थोड़ा सा बढ़ा देना, यहाँ रख लेना, ठीक है। तो ये ज़्यादातर ब्लैक में अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और टिक वाले ऑप्शन पर दबा देना, ठीक है आपने। तो अभी आपने ना जो जो आपको पसंद हो, मतलब कि यहाँ पर आपको जो जो अच्छा लग रहा हो तब्दीली करनी, तो वो आपने अपने मुताबिक जो है ना डिज़ाइन के मुताबिक आपने तब्दीली कर सकते हैं। और भी कोई चीज़ लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हैं, आपको और भी काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि मैं भी लगा के आपको दिखा देता हूँ। एक मुझे ये डिज़ाइन मिला, बैकग्राउंड रिमूव कर लेता हूँ, तो बैकग्राउंड सही से रिमूव तो नहीं हुआ, लेकिन खैर हम कर लेते हैं वो एडजस्टिंग के तरीके से ना, वो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, मैं अभी दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ
तो अभी बस आप जैसे काफ़ी हद तक हमारी उस इमेज से ना नीचे वाली इमेज से मैच हो चुका, वरना ये रिमूव भी हो जाता। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं क्लिक करने करने के बाद ना आपको ये रिमूव का ऑप्शन भी मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से रख के आप इसे बिल्कुल उसी मुताबिक क्रॉप कर लें। क्रॉप करने के बाद फिर बैकग्राउंड रिमूव कर लेने में भी हो जाए, ठीक है। तो बैकग्राउंड रिमूव हो जाता, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं व्यूअर्स, अब काफ़ी हमारा हाथ तक रिमूव हो चुका, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा जो अपने ना मुताबिक ड्रैग मतलब कि बढ़ाना हो कम करना वो करके यहाँ पे क्लिक, आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो है ना यहाँ से मैं थोड़ा सा हो गया था। हेलो, जैसे कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं अब हमारी इमेज बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। तो अब हम इसे सिंपली सेव कर लें। बाकी आपने जो नेम वगैरह चेंज करना वो आप डिज़ाइन ब्लैक में रख सकते हैं, चाहे जिसमें रखना चाहें वो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। तो मैं इसे ब्लैक में रख के दिखाता हूँ, और नीचे वाले को भी हम ब्लैक में ही कर देते हैं, ठीक है। और अब देख सकते हैं हमारे व्यूअर्स बिल्कुल ऐसे एक्यूरेट और मतलब कि वे पे हो चुकी है। तो आप इसे मैं मतलब कि ना मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, आप देख सकते हैं ये भी हो चुका है। आपको जो जो डिज़ाइन हो वो आपको पसंद हो, सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करके इसे सेव कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।